अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज आपके साथ नई वीडियो के साथ हाजिर हैं। आज की वीडियो में हम शोर कंपनी का MPPD चार्ज कंट्रोलर की अनबॉक्सिंग करेंगे। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और इसकी अनबॉक्सिंग करते हैं। इसकी नेक्स्ट वीडियो में हम इसको आपको परफॉर्म करके दिखाएंगे कि कैसे वर्क करता है और इसकी एफिशिएंसी कैसे है। जैसा कि वीडियो के ऊपर के इसके बॉक्स के ऊपर लिखा हुआ है, हाई एफिशिएंसी चार्ज कंट्रोलर। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। इसको बॉक्स को ओपन कर लेते हैं। ये है हमारा जी शोर कंपनी का MPPT चार्ज कंट्रोलर। इसके साथ में क्या मिलता है, ये इसका वारंटी कार्ड है जो कि यहाँ पाकिस्तान में नहीं इसको अवेल करते कि ये इसको मानते नहीं, सिर्फ चेक इन वारंटी को मानते हैं कि शॉप पर अगर आपको चेक करवा देते हैं बस यही चेक। साथ में इसका मैनुअल यूज़र है, इसको आप पढ़ के इंस्टॉल कर सकते हैं। ये बिल्कुल वैसे जो हम पुराने अपने PWM चार्ज कंट्रोल इंस्टॉल करते हैं बिल्कुल सेम है। इसको ऑफ के रख लेते हैं और ये हमारा शोर कंपनी का MPPT चार्ज कंट्रोल। ये देखिए ओवरऑल लुक इसकी गुड है। इसमें हीट सिंक इस्तेमाल की हुई है, ये काफ़ी बेहतर लग रहा है। इसमें ये फ़ैन भी दिया हुआ है, जब इस ओवर हीट होगा तो ये फ़ैन ऑन होगा, इसको कूल डाउन करेगा। साथ इसमें USB पोर्ट्स हैं, दो अपने मोबाइल वगैरह चार्ज कर सकते हैं। इसमें सबसे एक बड़ी बात ये है कि इसको हम 12 वोल्ट पर भी और 24 दोनों में इसको ऑपरेट कर सकते हैं। और साथ में इसमें एक लास्ट पॉइंट दिया हुआ है ये यहाँ पर अगर हमारी LED 5 वोल्ट 9 वोल्ट हो तो उसको भी हम ऑपरेट कर सकते हैं, यहाँ से हम डायरेक्ट चला सकते हैं। तो ये इसमें एक एक्स्ट्रा फंक्शन दिया हुआ है, बाकी तो ये सेम ही है। MPPT चार्ज कंट्रोलर जो होता है ये वोल्टेज को भी एम्पेयर में कन्वर्ट करता है और ये ज़्यादा एफिशिएंसी देता है, जबकि PWM चार्ज कंट्रोलर जो है वो काफ़ी एनर्जी लॉस कर देता है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम इसका आपको मैनुअल या इसको ऑपरेट करके इसको सोलर के साथ अटैच करके वीडियो चलाएंगे इसको, इंशाल्लाह फिर आपको दिखाएंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।